इन दिनों देश के अधिकांश राज्यों में बारिश हो रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उत्तर भारत के राज्य में बारिश होने की वजह से कुछ ही दिनों में तापमान में काफी कमी आ गई है। उधर दक्षिण के राज्यों में भी मानसून के पहुंचने के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है। फिलहाल देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले महीने के आखिरी में केरल से शुरू हुआ मानसून अब उत्तर भारत की ओर पहुँच गया है। हालांकि दक्षिण के राज्यों में अब भी बारिश जारी है। कर्नाटक, केरल, गोवा में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पिछले कुछ दिनों से बारिश और आंधी तूफान से प्रभावित रहा है। मौसम विभाग ने सिलसिलेवार ट्वीट करके आगामी दिनों के मौसम की जानकारी दी है। IMD ने कहा है कि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र में 24 से 26 जून, आंतरिक कर्नाटक में 24 से 25 जून, गुजरात में 22 जून, 25 जून और 26 जून को बारिश होगी। उधर बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत तक दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव की वजह से 25 और 26 जून को बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 22 जून को गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना है। 23 और 24 तारीख को विदर्भ में बारिश होगी। दिल्ली में अगले 6 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मानसून के 27 जून तक दिल्ली में पहुंचने की संभावना जताई है। उधर उत्तर भारत के एक और राज्य बिहार के कई जिलों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो उत्तर भारत के राज्यों में भी मानसून धीरे धीरे दस्तक दे रहा है।